हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्लीट क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी बुक्स का सलूशन कर रहे थे, उसी पैटर्न में आज हम क्लास 9 की आर्यश अग्रवाल की बुक का सलूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम वी रीड मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं, व्हाट इज द नंबर सिस्टम। तो इन नंबर सिस्टम फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? जब भी हम कोई चीज काउंट करते हैं तो वन से काउंट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम जीरो से काउंट करके जीरो वन टू, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? वन से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वन से स्टार्ट होता है, इट्स बिगिन फ्रॉम वन। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेक्स्ट नंबर्स आते हैं सेकंड टाइप पे, होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स विथ इंक्लूड जीरो। यानी सारे नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, उसमें आप जीरो और ऐड कर दीजिए, तो वो जो नंबर्स हमको मिलता है दैट इज द होल नंबर्स। ओके, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो कामा वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर एंड सो वन, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। नेक्स्ट, फिर इसी क्रम में नेक्स्ट नंबर टाइप से हमारे इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंटीजर्स? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूड जीरो। सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी निगेटिव नंबर्स और उसमें जीरो और मिला दे तो जो नंबर मिलता है दैट इज द इंटीजर। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूड जीरो। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी निगेटिव नंबर्स में जीरो और मिला दिया गया दैट इज द इंटीजर। इसको जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टाइप अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स जो जिनको कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे डिनोमिनेटर, यहाँ ये समझना है कि कोई भी इस नंबर्स का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा लिख दू वन बाई जीरो दैट इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा आपका। ओके, रेशनल नंबर भी ये नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर हम आपको बताते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो ये जितने टाइप्स हम नंबर्स पढ़ते हैं ये सभी दीज नंबर्स आर इन रियल नंबर्स, क्योंकि सेकेंड पार्ट उसका जो होता है इमेजिनरी नंबर, उसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th में आप पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स, उसको आपको पढ़ना नहीं है। तो ओनली आपको रियल नंबर्स के ही ये सारे पार्ट हैं नंबर सिस्टम में, यही आपको पढ़ने हैं। तो ये आज हमने कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ा समझा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कॉन्सेप्ट बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो अगर आप आर्यश अग्रवाल बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं और आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।